सो ये जो आज उसामा भाई है बड़े गम में है, उसका रीजन ये है कि उसामा भाई का वो एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग चलते हैं, जैसे बाबा रामदेव से एक शख्स ने ये पूछा था, सॉरी अभी मैंने सामने बंदे को मारा है तो मैंने एक शख्स से पूछ सॉरी यार उसामा यार बस करो यार मत करो यार। तो चलिए अभी व्लॉग को हम आगे से शुरू करेंगे, अभी मैं नहीं शुरू कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे साथ उसामा भाई। उसामा भाई आइए, इधर अपना फेस दिखाइए सबको, लोग आपको देखना चाहते हैं, इधर आइए। अरे आइए आइए, मोबाइल नहीं ले जाएंगे हम। ये हैं हमारे उसामा भाई, जिनके वजह से हम अपना व्लॉग भी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे बातें शुरू कर रहेंगे। देखिए हेलो एवरीवन, बकरीद के लिए बच्चा कैसा है। तो चलिए मिलते हैं, अभी मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं निकलूँगा काम के लिए। सो उस टाइम ही मिलूँगा मैं आप लोगों से, अभी तो बात करना मुश्किल है क्योंकि साथ में है वो। सो ये जो आज उसामा भाई है बड़े गम में है, उसका रीज़न ये है कि उसामा भाई का वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ यार, सीरियसली एग्ज़ाम बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ही घटिया कुछ हुआ। आप कहना अच्छा नहीं लगा, लास्ट प्रीवियस 3 एग्जामिनेशन मेरा बहुत ही अच्छा गया, मगर आज का मेरा एग्ज़ाम अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। तो उम्मीद है बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहे हैं कि इनकी क्या लगेगी, केटा केटी नहीं लगी, मेरा केटा लगेगा। अगर ये केटी में सपोज इनसे पूछा जा रहा है कि अगर ये केटी में फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं फेल तो नहीं होगा, इस बार पास हो जाऊंगा। नहीं, अगर सपोज फेल हो गए तो फिर क्या लगेगा? अगर फेल हो गया तो फिर से केटी, दोबारा केटी। अच्छा, दोबारा फर्स्ट टाइम केटी होती है, सेकंड टाइम क्या होता है? केटा तीसरे टाइम केटाटा मैं रेडी हो चुका हूँ और अब सीधे चलते हैं स्टेशन और अपनी ट्रेन को मैं पकड़ूं। वेट सिर्फ एक ही चीज का चल रहा है, ट्रेन का, कि जल्दी आओ निकलूं यहाँ से। स्टेशन में ही मैं खड़ा हूँ अभी। चलो यार, तो ट्रेन आ गई, अभी निकला जाए यहाँ से। Too quick, got hers, I give mine. We say, ooh, that's it. Say what I feel is a fact. She said she feel it right back. Got sentimental, lost the momentum. Said what I meant though, yeah, I got what I give. Can't block. सर अभी स्टेशन से मैं बाहर निकला हूँ और अब यहाँ से जल्दी चला जाए। वैसे मैंने जो अभी पीछे दिखाया है इन लोगों के बारे में, क्या कहूँ, बारिश का टाइम जब देखता हूँ, अगर मेरे पास इतना होता डेफिनेटली मैं देता जगह नहीं कि कम से कम कुछ दिन तो अपना छाँव में गुजार सके, वरना आप देखो ये रोड में बेचारे बैठे हुए हैं, ऐसे ही जब बारिश होगी रोड पर कहीं छुपने चले जाएंगे, फ्लाईओवर के नीचे या कहीं पर भी बैठेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तेज़ हवा चल रही है, सब उड़ गया यार, बारिश होने लगी, अभी कहाँ छुपा जाए सबसे पहले तो यही देखना है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे हूँ और इतना इशू नहीं हो रहा, बट तब भी भीग न जाऊँ। देखने वाली बात तो ये कितने दिन ये रोड चलती है बारिश में, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा चलने वाली है ये रोड। सो यार आप देख सकते हो कि इस जगह पर हमेशा ट्रैफिक लगता है। इनफैक्ट अभी जो रोड बन रहा है, अभी पीछे मैंने जो आपको रोड दिखाया, उधर की तरफ मुड़ने के लिए, टर्न होने के लिए, दोनों साइड से अगर कार आ गई तो समझिए 100% ट्रैफिक लगना ही लगना है। और आज आप देखो हद से ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। सो मैं दिखाते हुए चलता हूँ, बहुत लंबा ट्रैफिक है ये, और इसमें आप अगर फंस गए तो परेशान हो जाओगे। इनफैक्ट मैं पैदल हूँ, पैदल में भी चलने में दिक्कत हो रही है मुझे, और कार वालों को तो आप देख रहे हो आधे से ज्यादा तो ड्राइवर्स अपनी गाड़ी से उतरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी जल्दी ये खाली नहीं होने वाला है ये ट्रैफिक जो है। तो अब मैं तो फाइनली यहाँ से निकल गया हूँ और अब मैं अपना आगे बढ़ता हूँ, जल्दी पहुँचूँ अपने स्टेशन की तरफ, अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। सो थैंक गॉड पूरी तरीके से अभी निकल चुका हूँ यहाँ से मैं। तो यार अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुआ, इनफैक्ट हवा इतनी तेज़ चल रही है कि आप देख सकते हो दाढ़ी का क्या हाल हो रहा। सो अब मैं जल्दी पहुँचूँ स्टेशन और पहुँच करके जल्दी से ट्रेन पकड़ूँ। वैसे अभी स्टेशन पहुँचने में अराउंड 20 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने में मुझे, बट आप लोगों से बात करते करते पहुँच भी जाऊँगा।
सर अभी मैं स्टेशन आ चुका हूँ और चलते हैं सीधे अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। वैसे भी ट्रेन आने में अराउंड 10-15 मिनट है, तो तब तक वेट करना पड़ेगा। और नीचे भी आज फैन नहीं चल रहा था कि ताकि थोड़ी हवा ले लेता। सो नहीं, अभी 10 मिनट अराउंड है ट्रेन को आने में। सो ट्रेन आ गई है और अच्छी ट्रेन में बैठी है, लेकिन पहुँच सको अपनी मंजिल।